गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 27 तारीख दिन मंगलवार, आज़ादपुर मंडी। दोस्तों आज़ादपुर मंडी का जान लेंगे, प्याज का भाव क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, कितना ताज़ा रहा है वाला, कितना बैलेंस है, रेटों में क्या कुछ उतार चढ़ाव रहा है, ये सारा जानकारी देंगे दोस्तों कॉलिंग के माध्यम से। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते जी, कैसे हो सर जी? सब बढ़िया, खूब मौज है सर जी। आज का क्या कुछ माहौल है दिल्ली में आज़ादपुर मंडी का, और क्या अराइवल है प्याज का, किस किस जगह का प्याज आ रहा है सर इस समय? आज 55 गाड़ी ताजी है। अच्छा जी, ऊपर नीचे मिला के 95 गाड़ी है। अच्छा, इसमें 22 गाड़ी राजस्थान, 21 गाड़ी है आपकी नासिक, 18 गाड़ी पूना है, 14 गाड़ी एमपी का है। अच्छा, तो सर पहले के मुकाबले जो है, जो बैलेंस भी है वो भी कम हुआ है और अराइवल भी कम हुआ है क्या? हाँ, असल में पैसे नहीं बन रहे हैं ना, पीछे मार्केट टाइप है, यहाँ उठाव नहीं बन पा रहा है। अच्छा, हाँ इसलिए आमदनी थोड़ा सा कटी है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो सर पहले से शायद 20-30 गाड़ी कम हुआ है? हाँ 20-30 गाड़ी कम हुआ है, 1-1.5 रुपए का सुधार भी है। अच्छा, 1 से लेकर 1.5 रुपए का सुधार भी है। तो सर जी अगर बात करें रेटों का, अगर महाराष्ट्र का जो है नासिक बेल्ट और पूना बेल्ट का जो प्याज है वो इस समय किस तरह का क्वालिटी मार्केट में आ रहा है और क्या कुछ रेट खुला है सर आज? क्वालिटी तो जैसे पहले आ रही थी वैसे आ रही है, लेकिन ये है कि अच्छे मानो थोड़ा सुधार है। नासिक बिक रहा है नासिक और पूना 11-12 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए तक प्याज बिक रहा है। अच्छा, यानी कि 440 रुपए से लेके 720-730 रुपए तक, 440 रुपए मन से लेकर के 720-730 रुपए मन। तो पूना बेल्ट का या नासिक बेल्ट का सर? नासिक पूना दोनों। अच्छा, नासिक और पूना दोनों। सर अभी जो जनरल क्वालिटी है और जो मार्केट में जो जनरल एवरेज क्वालिटी जो प्याज सबसे ज्यादा बिक रहा है इस समय, तो उसका क्या बाजार है जी? वो 500 से 600 रुपया, 500 से लेकर 600 रुपए का बाजार है। हाँ, यानी 12.5 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। अच्छा, 12 रुपए किलो से लेकर के 15 रुपए किलो। हाँ अच्छा सर, अगर बात करें जो प्रोडक्शन मंडी है पीछे जो नासिक महाराष्ट्र में है, तो उधर क्या मतलब प्रेशर है प्याज को लेकर के और क्वालिटी किस तरह का? अभी जो बरसात हुआ दिल्ली में भी कई दिन बरसात हुआ, और आज का कैसा मौसम है सर उधर दिल्ली? तो मौसम ज्यादा बिल्कुल साफ तो नहीं है, हल्का हल्का बादल है। हल्का हल्का बादल है। हाँ अच्छा, तो सर जी वहीं लग रहा है बारिश आएगी शाम तक। अच्छा, शाम तक आने का चांस है। हाँ तो सर अभी जो बरसात हुआ सर, और भी पीछे भी कई राज्यों में हुआ होगा बरसात, तो उससे प्याज में क्या फर्क देखने को मिला सर? रेट में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, अराइवल थोड़ा कट जाएगी। अच्छा, और क्वालिटी में सर कुछ गिरावट देखने को मिलेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब सारी प्याज किसान के घर के अंदर जा चुकी है। अच्छा, यह है आमदनी कटेगी थोड़ा सा। अच्छा, आमदनी कटेगा। तो सर जो प्रोडक्शन मंडी है तो उधर क्या बाजार चल रहा है सर? उधर बाजार किस तरह का, उधर टाइट है या क्या है सर? उधर 8-9 रुपए से लेकर 14 रुपए तक। अच्छा, थोड़ा वहाँ भी सुधार है। अच्छा, वहाँ पे भी सुधार है। तो सर जैसा कि सर साउथ की तरफ भी डिमांड निकलता है, तो सर कहाँ कहाँ पे इस समय सर प्याज का डिमांड निकल करके आ रही है? साउथ नासिक और पूना की प्याज जाते हैं। अच्छा, तो उधर सर डिमांड निकल रहा है सर? हाँ, उधर की डिमांड अच्छी है 500 की। अच्छा, और सर जी वही बात करें जो एमपी वाला है प्याज, तो एमपी का कैसा क्वालिटी इस समय आ रहा है और क्या कुछ बाजार खुला सर? एमपी क्वालिटी जैसे पहले आ रही थी वैसे आ रही है, लेकिन थोड़ा सा सुधार हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा सुधार हुआ है। हाँ, क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार हुआ। अच्छा, तो सर अभी कितना परसेंट जो है हल्के माल खत्म हो चुके हैं अभी, किस तरह का जो है अगर परसेंटेज वाइज के हिसाब से देखा जाए तो कितना क्वालिटी, अगर अलग अलग क्वालिटी अगर निकालें तो सुपर कितना निकल करके आ रहा है और एवरेज कितना निकल करके आ रहा है और लो सर कितना आ रहा है? अभी इसमें कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि माल जो भी स्टॉक में जा रहे हैं वो भी 10-15 दिन बाद डैमेज हो रहे हैं। अच्छा, मतलब स्टॉक वाला माल भी जो है अंदर जाकर के डैमेज का शिकायत देखने को मिला? हाँ, तो जैसे डैमेज होने लगता है तुरंत तो उसको व्यापारी या किसान निकालने लगता है, तो इसलिए अभी हल्के माल 1 महीने तक आएंगे। अच्छा, 1 महीने तक अभी आता ही रहेगा? अभी आता ही रहेगा। हाँ भैया। अच्छा, तो सर ये पूरी तरह से खत्म देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा सर? नहीं नहीं, पूरी तरह से देखने खत्म नहीं होगा ये, क्योंकि प्याज रोग ग्रस्त प्याज है ना, तो ये चलता रहेगा सिलसिला ये। अच्छा हाँ जी। और सर जी वही बात करें राजस्थान वाले प्याज का, तो उसका क्या बाजार है सर आज का, जो मथानी है या कुचामन सिटी है या सिकर का प्याज है? ये 400 रुपए से लेके 600 रुपया। अच्छा, किस जगह का सर?
ये राजस्थान का। राजस्थान का मखानिया या फिर सर शिखर का? मखानिया कुछ आवन दोनों। अच्छा, 400 से लेकर के 600 रुपए तक। 600 रुपए मन, यानी 40 किलो का रेट। हाँ, 10 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो। अच्छा, और सर जी वहीं बात करें शिखर वाले प्याज का, तो उसका क्या बाजार है सर जी? वो 8 रुपए से लेकर 11 रुपए तक। 8 रुपए से लेकर के 11 रुपए किलो तक। हाँ। अच्छा सर जी, अभी अगर बात करें, जैसा कि अभी बांग्लादेश 5 दिन के लिए बंद है इसके कारण। हाँ हाँ, तो सर जैसे ही बांग्लादेश का बॉर्डर खुलेगा तो उससे हाँ? क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा प्याज पे? उसे 1-2 रुपए फिर टाइट हो जाएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि तो एक्सपोर्ट में वही प्याज जाएगी जो क्वालिटी होगी। जी बिल्कुल। और जब अच्छे माल के लिए 1-2 रुपए खींचेगा तो हल्का भी 1-2 रुपए उठेगा। अच्छा हाँ, तो सर जो गोल्टी गोल्टा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा खपत गोल्टी गोल्टा प्याज का है, तो गोल्टी गोल्टा ही प्याज में सुधार देखने को मिलेगा या फिर मोटे प्याजों में भी सुधार देखने को मिलेगा सर? मैं हर प्याज में सुधार आ जाएगा सर। अच्छा हाँ हाँ भाई, अगर गोल्टी गोल्टा अगर उठ जाएगा तो मोटा अपने आप उठ जाएगा। अच्छा, तो सर अभी जो जिन किसान भाइयों के पास प्याज है तो उनको अभी क्या करना चाहिए आगे का, मतलब क्या रहेगा रणनीति उनके लिए, किस तरह से प्याज को मतलब सुधार करके रखे और आगे के लिए उनको रखना चाहिए या फिर उनको निकाल देना चाहिए, क्या करना चाहिए इस समय? उसमें दो बातें हैं, अगर माल रुकने वाला हो तो रोकना चाहिए, उनको अच्छा रेट मिलेगा, सम्मानजनक रेट मिलेगा। अगर माल रुकने वाला नहीं है फिर उनको निकाल देना चाहिए। अच्छा हाँ, तो सर हालात को देखते हुए जो है इस बार रकबा भी काफी ज्यादा था प्याज का और जो है डैमेज भी काफी ज्यादा हुआ है प्याज, तो सर क्या अंदाजा, क्या लगता है कि जो प्याज का शॉर्टेज बनेगा या फिर सर जैसा पिछले साल प्याज चला उसी तरह इस बार भी चलता रहेगा? नहीं, पिछले साल जैसा पुनरावृत्ति नहीं होगी, अब की बार अलग रहेगा माहौल। अच्छा, प्याज का माहौल बिल्कुल अलग रहेगा, लेकिन यह है प्याज की शॉर्टेज भी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगी, लेकिन वो सितंबर और अक्टूबर में। अच्छा, ऐसा माहौल होगा। हाँ, सितंबर अक्टूबर में जाकर के कुछ माहौल बन सकते हैं? बिल्कुल बनेगा। हाँ। अच्छा, और सर जी अगर बात करें जो नेफेड है सर, नेफेड या फिर प्राइवेट कंपनियां हैं, तो उनका इस समय क्या एक्शन चल रहा है सर? आजादपुर में खरीदारी उनका चल रहा है या फिर बाहर से बाहरी चल रहा है सर? नहीं, वो महाराष्ट्र से ही खरीदारी उनकी चल रही है, आजादपुर मंडी में नहीं खरीदारी हो रही है। अच्छा, तो सर अभी नेफेड का कुछ एक्शन देखने को मिला है या फिर सर नेफेड भी जो है अभी शांति? नहीं, तो अभी तो खरीदारी चल रही है उनकी, अभी उनका माल बिकने के लिए नहीं आएगा। अच्छा हाँ, अभी उनकी खरीदारी चल रही है। नहीं सर, जैसे कि अभी क्वालिटी जो है हल्का भी आ रहा है और कमी मात्रा में थोड़ा अच्छा क्वालिटी आ रहा है, तो नेफेड इस समय ज्यादा मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं या कम कर रहे हैं? नहीं, कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी नहीं है ना, और उनको क्वालिटी ही मेंटेन करना होता है। अच्छा, इसलिए उतनी स्पीड में खरीदारी उनकी नहीं चल रही है, धीरे धीरे खरीदारी चल रही है उनकी। अच्छा सर, कम है। एक चीज और जानना था, जिस तरह से जो व्यापारी भाई हैं उनको क्वालिटी अगर खराब दिखता है तो वो माल बेच लेते हैं? हाँ, वो तुरंत निकाल देते हैं। अच्छा, तो क्या इसी तरह से नेफेड का भी होता है, जो उनको अगर क्वालिटी खराब दिखा तो वो माल निकाल सकते हैं? ना, उनका तो एक निश्चित टाइम है, अभी वो निकालेंगे नहीं, वो निकालेंगे अगस्त के बाद। अच्छा, उनको जब ऐसा एहसास होगा कि कहीं प्याज में शॉर्टेज हो जाए या जैसे मार्केट ज्यादा उठने लगेगी तब। अच्छा, वो अपनी प्याज निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे अभी। अच्छा हाँ जी, वो तो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए निकालते हैं ना माल। जी जी बिल्कुल, अभी नहीं निकालेंगे। तो सर नेक्स्ट मंथ में जो है, अगले महीने में जो है, बाजार कितने रुपए तक सुधर सकता है सर, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? 2-4 रुपए। 2-4 रुपए के बीच में। हाँ हाँ सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, फोन नंबर 2122, आजादपुर मंडी, मोबाइल नंबर 9911 18 99 74। ओके, थैंक यू सर। ओके मेरे भाई।